हाय गाइज, नमस्ते। मैं हूँ चांदनी, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज लेकर आई हूँ सूजी गुजिया। सूजी गुजिया बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून पैन में घी ऐड कर लिए थे। इसी में 250 ग्राम छानकर सूजी ऐड कर लिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। इस तरह से चलाते हुए भूनते जाएंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आने लगी और थोड़ी सी हल्की सी कलर ना चेंज हो जाए। इस तरह से रेगुलर चलाते हुए इसे भूनेंगे, छोड़ेंगे तो नीचे तले में लग जाएगा, इसलिए लगातार हम चलाते हुए इसे थोड़ी सी कलर चेंज होने तक भून लेंगे। स्टफिंग बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। इस तरह से जो थोड़ा सा जम जाता है ना, घी से चिपक जाता है, उसे दबाते हुए इसे तोड़ते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे। हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी और थोड़ी सी कलर चेंज हो जाएगी। इतना ही तक हमें भूनना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो देख सकते हैं 5 मिनट बाद हमारा गुजिया बिल्कुल सूजी का मतलब कलर चेंज हो गया है। इसमें ऐड किया है 1 कटोरी मिल्क पाउडर। अमूल का मिल्क पाउडर था, आपके पास जो भी अवेलेबल हो ऐड कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से हम दबाते हुए मिक्स करते हुए भून लेंगे। अगर चलाते नहीं रहेंगे तो जम जाता है, इसलिए इस तरह से थोड़ा सा हल्के हाथों दबाते हुए मिक्स कर लेंगे। यहीं पर ऐड करेंगे 1 कटोरी चीनी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी है गुजिया के लिए। थोड़ी देर के लिए इस तरह से गैस ऑफ करके मिक्स करते रहेंगे। अच्छी मिक्स हो गई है तो इसे कवर करके हम साइड कर लेंगे। आटा लिए हमने 500 ग्राम मैदा और 400 ग्राम जो रेगुलर आटा होती है चपाती वाली, वो इसमें हम नमक ऐड किए हैं और बेकिंग सोडा 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक। घी को मेल्ट करके ऐड करेंगे। पिघला लिए थे हमने घी को, गर्मा गर्म घी है तो ध्यान से कीजिए। इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छी मोइन देना है। इस तरह से हम मोइन करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना तक इसे मिक्स करेंगे कि वो बंधने लगे। इस तरह से जब हम दबाए ना तो बंधने, टूटे नहीं, खुले नहीं, बंध जाए, ऐसा इसे मोइन करना है। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम इन्हें दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स किए थे, उसके बाद फिर से हम इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे 10 से 15 मिनट तक मोइन किए हैं। इस तरह से मसले हैं, बिल्कुल अच्छी मोइन हो गई है, अच्छे से बन रहा है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मीडियम डो लगाएंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, थोड़ा हार्ड रहेगा। इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। गुजिया का आटा कुछ इस तरह का रहेगा, बिखरा बिखरा। इसके आगे हम पानी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसे मसलते जाएंगे। तभी हमारी अच्छी आटा बनेगी और अच्छी खस्ता गुजिया बनेगी। इसके आगे हम पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ इसे अच्छी तरह से मसलना है। इस तरह से लगातार मसलते हुए हमें 5 मिनट हुआ है। आटा बिल्कुल इकट्ठा एकजुट हो गया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर से हम वापस से इसे अच्छे से मसलेंगे। 10 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे। ऐसे ही खोल कर हम चेक करेंगे इसे। आटा हमारा थोड़ा सा फूल गया है। वापस से हम गीले हाथों से फिर से इसे अच्छे से मसलेंगे।
मसलते मसलते हमने इसे 5 मिनट और मसले हैं। आटा देख सकते हैं इस तरह से है, इसे दबाने के बाद वापस से ऊपर उठ रहा है। इस तरह से मैं दबाती हूँ, वापस से ऊपर उठ रहा है, आटा हमारा रेडी है। हम इसे छोटी छोटी बॉल्स तोड़ लेंगे। इस तरह से रोल बना लीजिए, उसके बाद इस तरह से छोटी छोटी लोई तोड़िए, बहुत इजली टूट जाता है और अच्छी लोई बन जाती है। एक बार इसे इस तरह से चिकना कर लीजिए हाथ घुमाकर। सूखा आटा डस्ट करके इस तरह से इसे बेल लेंगे गोल शेप में। इस तरह से हमारी छोटी सी पूरी बनकर रेडी है। हम थोड़ा सा इसके किनारों में पानी लगा लेंगे, या फिर आप सैलरी बनाकर लगा सकते हैं। मैदा का पानी में घोलकर सैलरी बना लीजिए, उसे लगा सकते हैं, या तो फिर पानी ही लगा लीजिए। स्टफिंग जो हमने रेडी किए थे रवा मिल्क पाउडर शक्कर से, वही लेंगे और इस तरह से इसे हम फोल्ड करते हुए इसके मुंह को जोड़ लेंगे। इस तरह से इसे चिपका लेंगे अच्छे से, ताकि तेल में जाकर खुले ना। और इसे इस तरह से हम नीचे से दबाते हुए इस तरह से गूंथ लेंगे। अगर आपके पास सांचे है तो और आसान हो जाता है, सांचे से बना लीजिए, नहीं तो हाथ से इस तरह से बहुत जल्द हो जाता है। इस तरह से आप गूंथ के रेडी कर सकते हैं। एक हमारा रेडी हो गया है। सेम तरीके से हम दूसरी पूरी भी बेल लेंगे आटा डस्ट करके। इसमें भी हम किनारे में पानी लगा लेंगे, 1 चम्मच स्टफिंग ऐड करेंगे। आपका जितना मन हो सके उतना आप स्टफ कर सकते हैं, लेकिन इतना ही कीजिए जितना कि उसमें अवेलेबल जगह हो, क्योंकि उसमें गूंथने के लिए भी जगह चाहिए। तो हम इसे इस तरह से जोड़ते हुए उठा लिए हैं और इसे अच्छे से सील करेंगे। ये एक जुगाड़ू तरीका है, इस तरह से काटा चम्मच से फॉक से इस तरह से डिजाइन बना लीजिए। ये बन गया, थोड़ा सा इस तरह से कट का निशान दे देंगे। ये दूसरी तरीका बन गया, आप कैसे भी बना सकते हैं, आप आपके हिसाब से जैसा शेप देना हो वैसा बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे गुजिया को बनाकर रेडी कर लेंगे। हमने ढेर सारे गुजिया बनाकर रेडी कर लिए हैं, तलने चलते हैं। गैस पर कढ़ाई रखकर हम गैस को ऑन करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है तो हम इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल। हाई फ्लेम पे रिफाइंड ऑयल को हमने गर्म कर लिए हैं। इतना गर्म है कि हमारा हाथ यहाँ पे 2 मिनट तक रोक सकते हैं, सह सकता है। तो हम इसे एक एक करके ऐड कर लेंगे। इतना हाई मत कीजिएगा कि एक बार में गुजिया को ऐड करते ऊपर आ जाएगा, तो मतलब है कि जल जाएगा, अंदर से पक नहीं पाएगा, ऊपर से जल जाएगा। इसलिए इतनी मीडियम गर्म रहे तभी ऐड कीजिए, ताकि ये धीरे धीरे अच्छे से अंदर तक पकता है। एक बार में जितना आए उतना ही डालिए। इस तरह से हम थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि एडजस्ट हो जाए एक बार में। एक बार में हम 8 गुजिया ऐड किए हैं। इस तरह से इसे हम 1 मिनट बाद ही पलट लेंगे। पलटते पलटते इसको क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे।
इस तरह से इसे हम 2 मिनट बाद पलट रहे हैं, इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते पलटते इसे क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे। ध्यान रहे कि जले ना, एक तरफ से लगातार छोड़ देंगे तो ये जल सकता है, इसलिए इसे हम लगातार पलटते पलटते रहेंगे। 5 से 6 मिनट में इसे हम लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। 1 मिनट तक हम ऐसे ही रखे थे, उसके बाद हम निकाल लेंगे बर्तन में। आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। ऐड करेंगे सेकेंड बैच, यहाँ पर भी हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे ही रखा है। थोड़ा सा कढ़ाई को इस तरह से हिला लेंगे, ऊपर तक तेल आ गया है, लग गया है, जल्दी से खिल जाएगा, तुरंत इसे पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ सामान कुक हो। सेकेंड बैच भी हमारा गोल्डन ब्राउन कुरकुरा हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। एक मिनट तक ऐसे ही रखे रहेंगे क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसी में निकल जाएगा। सारे तेल निकल गए हैं तो हम निकाल लेंगे गुजिया को। देखिए कितनी अच्छी मार्केट जैसी गुजिया हमारा घर पर बनकर रेडी है। इसी तरह से हम सारे गुजिया को तल लेंगे। हमारा सारा गुजिया बनकर रेडी हो चुका है। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक बार अपने अनुभव हमारे चैनल पर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। क्यों बेटा अब रोटी बनाओगे? अब नीम की बनाएंगे। नीम की।